चांद तेरा जन्म साकार हो जाएगा। जा। ये क्या ठाकुर, आपने हमारी भेंट स्वीकार दी की? खैरात नहीं, देवती चाहिए मुझे। मारका देव को वचन दिया है मैंने, कल सुबह सूरज के पहले किरण के साथ मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा और मारका देव मुझे फिर से जीवित कर देंगे। कहाँ है रेवती? मैं उसे आपके पास लाने ही वाला था, लेकिन वो भाग गई और मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा और आपके चरणों में। मैंने एक प्रण दिया था, अब तुम एक प्रण दो, अन्यथा प्राण। मैं प्रण लेता हूं कि आज रात रेवती आपकी परम दासी बनेगी, ताकि कल सुबह की पहली किरण होते ही उसकी बलि चढ़ सके, वरना तुम्हारी बलि चढ़ेगी। स्वामी जी, आपकी उंगली। वर छोड़, जैसे मेरी उंगली कटी ना, वैसे तेरा सर कट जाएगा। जैसे उस दासी का सर कटा है अंदर, हमें इस वक्त रेवती को ढूंढना होगा। चल जल्दी। रेवती? और उसका राधिका से क्या संबंध? मूर्ख, राधिका ही पिछले जन्म में रेवती थी। अभी चल जल्दी मंदिर। चलो। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है इसके अंदर? गहने? ये सब कोई आ रहा है? अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां? हाँ।
का अंदर मत जा, अंदर सुरेलों को पसेना है। एक और परम दास नारी बलि स्वीकार करे मार का दे। रेवती, एक जन्म तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन अब और नहीं। स्वामी जी, क्या राज है उस हवेली का, और कौन है जो आपसे आपकी उंगलियां कटवा रहा है? ये रेवती कौन है, राधिका कौन है, क्या कहानी है उस मार्का देव की परम दासियों को लेकर? मेरे सवालों का जवाब देने के लिए हमें आज से 25 साल पीछे जाना होगा। यहां से 200 कोस दूर एक गांव है प्रीतमपुर, वहां एक मंदिर, मार्का देव का मंदिर। उस मंदिर का मैं पुजारी था। निचली जात की कुंवारी कन्याओं को बहला फुसला कर या कभी उनके घर वालों को पैसे का मोह देकर उन्हें मंदिर ले आता था और परम दासी बना देता था। लेकिन परम दासी और मंदिर तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद था प्रीतमपुर के ठाकुर उजागर सिंह को खुश करना। मैं अपनी मायावी विभूति से उन कुंवारी कन्याओं को अपने बस में कर लेता था और एक एक करके उन्हें ठाकुर उजागर सिंह की हवेली ले जाता था। कल रात ही मुझे पता चला कि मेरा मालिक ठाकुर उजागर सिंह किसी दरिंदे से कम नहीं है। उस बेचारी लड़की के साथ उसने जो किया, मैं चुप नहीं बैठ सकता। रेवती, तो फिर अब तुम क्या करोगे गोपी? मैं ठाकुर और उस पाखंडी पुजारी मेघानंद के धंधे का पर्दाफाश कर दूंगा। पुलिस को सब सच बताकर इन्हें जेल में सड़वाऊंगा मैं। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ करना। मैं नहीं चाहती कि तुम पे कोई भी मुसीबत आए। इतनी परवाह है मेरी? तो फिर
आज शाम को आ जाऊं क्या तेरी अम्मा से तेरा हाथ मांगने? अगर मेरा हाथ ही मांगना है मेरी अम्मा से तो अभी चल चल।